हेलो वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन इंग्लिश स्कूलिंग प्लेटफॉर्म इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टेल यू हाउ टू इम्प्रूव ऑन टेंस इस वीडियो में मैं बताऊंगा टेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए टेंस तीन प्रकार का होता जानते हैं प्रजेंट पास्ट फ्यूचर जो अभी इसमें प्रजेंट चलेगा प्रजेंट का प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस राइट तो मैं बताता हूँ प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का कुछ एग्जाम्पल्स सेंटेंसेज दिया हुआ है आप क्या करते रहे हैं वह सुबह से क्यों रोता रहा है इस प्रकार का सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे बनेगा इसका स्ट्रक्चर मैं अभी लिख रहा हूं बोर्ड पे यही इसका स्ट्रक्चर है सब डब्ल्यू एच प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस भाव का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसके बाद सिंस फोर प्लस टाइम अगर इस सेंटेंस में अगर टाइम दिया रहेगा तो सिंस या फोर में से कोई एक आएगा तो मैं भी मैं बताता हूँ इस टाइप का जो सेंटेंस होता है उसका आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान ये यही हुआ इसका पहचान से प्लस रहा है से प्लस रही है या ता प्लस रहा है ती प्लस रही है इत्यादि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मतलब एंड में लगा होता है तो पहले मैं आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ इससे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सेंटेंस है आप क्या करते रहें तो आपको मैं बता दिया हूँ ता प्लस रहा हूँ रहे रही है रहे हो इत्यादि लगा होता है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ते रहे हैं लिखा हुआ है तो आप क्या करते रहें यहाँ पे डब्ल्यू एच का मतलब होता है वाट वे वाई वेन इससे सब्जेक्ट का शुरुआत मतलब इस सेंटेंस का शुरुआत होता है तो आप देख सकते हैं यहां पे इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ आप क्या करते रहे हैं तो पहले डब्ल्यू एच लिखना है डब्ल्यू एच मतलब व्हाट व्हाई वेयर व्हेन तो इसी को कहते हैं शॉर्ट में डब्ल्यू एच तो इस सेंटेंस में आप खोजिएगा तो कहीं पे आपको क्या कैसे कब क्यों लगा मिलेगा तो आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट डब्ल्यू एच ए टी तो फर्स्ट डब्लू लिखना है व्हाट व्हाट उसके बाद यहाँ पे हैज या हैव में से कोई एक लगाना है तो वो हैज हैव लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राइट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्व पिल्यूरल सब्जेक्ट होगा तो पिल्युरल हेल्पिंग वर्व आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट आप है आपका यू होता है तो यू है पिल्यूरल सब्जेक्ट टेक्स पिलुरल हैव यू सब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है और भाव का फोर्थ फॉर्म क्या करते रहे तो करना का यहां पे होगा डूइंग होगा राइट इसी पे समाप्त मतलब एंड हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई अदर वर्ड नहीं है और इसमें टाइम भी नहीं बताया गया है अब नेक्स्ट सेंटेंस आपका यहां पे है वह सुबह से क्यों रोता रहा है यहां पे लिखा हुआ वह सुबह से क्यों रोता रहा है आप देख सकते हैं ताप प्लस रहा है या से प्लस रहा है राइट तो आपको मालूम होना चाहिए इस सेंटेंस में पहले आपको क्या कैसे कब क्यों को फाइंड आउट करना है तो आप अगर सही से पढ़िएगा देखिएगा तो आपको मिलेगा क्यों क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई यही हुआ इसका वाई हैज ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग आपको मैं बता दू यहां पे क्यों का हो गया वाई वह वा सब्जेक्ट है अगर यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि वह सुबह से क्यों रोता रहा है रहा लिखा हुआ है इसका मतलब है वह जो रो रहा है वह लड़का का बात हो रहा है तो लड़के के लिए मतलब पुलिंग जो होता है उसके लिए मेल के लिए ही आता है तो ही हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर भाव हैज और बीन और रो, रोता रहा है तो वीप वीपिंग मतलब विप का फोर्थ फॉर्म वीपिंग होगा और सुबह से सिंस मॉर्निंग क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है इसलिए मॉर्निंग आया अगर आपको since four का यूज मतलब लगाने में प्रॉब्लम्स होता है तो मैं ऑलरेडी इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूं मतलब अच्छे से since four का यूज आप देख सकते हैं अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है सेकेंड है कि आप यहां कब से काम कर रहे हैं तो आपको मिलेगा कब कब का जानते हैं यहाँ पे बन गया लिखा हुआ है आप कि यहाँ कब से काम कर रहे हैं खोजिएगा हुएन वाई हुएट में से कोई एक मिलेगा तो कब मिलेगा कब का हुएन होता है आप है पिल सब्जेक्ट तो आपके साथ यू के साथ लगेगा हैव उसके बाद बीन, और काम करते रहे हो तो काम का होता है वर्क वर्क का मतलब फोर्थ फॉर्म वर्किंग एंड यहाँ तो है यार इसमें टाइम नहीं बताया गया हुआ है इसलिए सिंस फोर का यूज नहीं हुआ है और किसी भी हिंदी सेंटेंस में क्या कैसे कब क्यों लग जाए तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है अब नेक्स्ट है आप सोमवार से इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं आप सोमवार से इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं आपको मिलेगा यहां पे क्यों पहले लिखना है डब्ल्यू एच इसके लिए इसमें से फाइंड आउट करना है क्या कैसे कब क्यों तो आपको मिलेगा क्यों क्यों का जानते हैं वाई होता है ये सेंटेंस बन गया लिखा हुआ आप सोमवार से इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं तो क्यों का वाई और आप सिंगुलर मतलब पिलुरल सब्जेक्ट यू तो यू के साथ है इसके बाद बीन और बोलना का स्पीक एसपेक स्पोकन ये और फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग होगा स्पीकिंग इंग्लिश इंग्लिश बोलना स्पीकिंग इंग्लिश एंड सोमवार से तो सिंस मंडे अगर दिन रहता कि दो दिन से आप मतलब आप दो दिन से इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं तो फोर टू डेज होता है लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है पूरे टाइम मतलब बता इसके लिए सिंस का यूज हुआ अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं लिखा हुआ है आप दो वर्षों से कहाँ रह रहे हैं दो वर्षों से कहाँ रह रहे हैं आपको दिख दिख रहा दो वर्ष लिखा हुआ है ये पीरियड ऑफ टाइम को इस सेंटेंस में रिप्रेजेंट करता है राइट तो यहाँ पे फोर टू ईयर्स होगा आपको मैं बता के बना के बता दू कहा ये बन गया लिखा हुआ आप दो वर्षों से कहाँ रह रहे हैं तो यहाँ पे कहाँ का वेयर आपके साथ हैव हेल्पिंग है। तो हैव यू बीन रहना लिव होता है तो लिव का फोर्थ फॉर्म लिविंग होगा एंड दो वर्षों से तो फोर टू ईयर्स नेक्स्ट एक मतलब लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है वह 2007 से मोबाइल कैसे चला रहा है मोबाइल कैसे चला रहा है आपको मालूम होना चाहिए अगर आप चार चक्का मतलब चला, गाड़ी चलाते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव राइट अगर दो चक्का चलाते हैं तो उसको कहते हैं राइड अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाते हैं तो इसके लिए यूज होता है ऑपरेट राइट तो ऑपरेट का फोर्थ फॉर्म ऑपरेटिंग होगा आपको मालूम होना चाहिए नहीं है तो आप देख सकते हैं समझ सकते हैं यहां पे कैसे मिल रहा है आपको तो हाउ यहां पर दो पे 2007 से यह पॉइंट ऑफ टाइम है अगर यही रहता कि दो वर्षों से मोबाइल चला रहा है तो फोर टू ईयर होता है तीन वर्षों से चला रहा है तो फोर थ्री है। यहां पे लिख दिया 2007 से तो था। सिंस 2007 लिखाएगा तो यह सभी सेंटेंस बन चुका है आप भी बना सकते हैं अगर इसी को बोला जाए कि निगेटिव करने का निगेटिव कैसे किया जाएगा मान लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आप क्या करते रहे हैं इसी को मैं निगेटिव कर दूंगा कि आप क्या नहीं करते रहे हैं तो ये हो जाएगा निगेटिव यहां पे नहीं लगेगा तो तो निगेटिव जब हो जाएगा तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है यहां पे एक नोट एड हो जाएगा राइट सब्जेक्ट सेम रहेगा सॉरी स्ट्रक्चर सेम रहेगा सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा या एक और उपाय इसको या हैज हैव जो हेल्पिंग याज है इसको आप निगेटिव कर दीजिए हैज है है को कर दीजिए हैज और हैव को कर दीजिए हैव प्रकार से बनेगा एक मैं बना के बताता हूँ आपको आप क्या नहीं करते रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए यह निगेटिव होगा या तो सेम रहेगा सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए या हेल्पिंग भव को निगेटिव कर दीजिए तो मैं एक बना के बताऊँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है अब एक मतलब एक और सेंटेंस आपको बताऊँ वह सुबह से क्यों रोता रहा है तो वाई हैज ही ही के बाद यहाँ पे नोट लगेगा और ये सेंटेंस जो है सही हो जाएगा या हैज को आप निगेटिव कर दीजिए तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना नहीं पड़ेगा तो इस प्रकार से अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बहुत सारा सेंटेंस हो सकता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वह दो से मोबाइल कैसे चला रहा है तो हम इसको बना देंगे वे लोग पाँच वर्षों से मतलब गाड़ी कैसे चला रहा है राइट तो बहुत सारा सेंटेंस इससे बन सकता है तो आज को क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर एंड गुड बाय अ नाइस डे